पूरी दुनिया को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा प्रभाव दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका पर पड़ा है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 47,000 के पार जा चुका है। भले ही अमेरिका इन हालातों के लिए चीन के माथे पर दोष मढ़ता रहे, लेकिन वहां पैदा हुए इन हालातों के लिए अमेरिका खुद भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। कोरोना वायरस ने जब चीन से अमेरिका में दस्तक दी, तो अगर उस समय अमेरिका चाहता तो हालात संभल सकते थे। राष्ट्रपति ट्रंप का अति आत्मविश्वास और लापरवाही अमेरिका को ले डूबा, जिसके कारण अमेरिका में मौत का तांडव शुरू हो गया और वहां लाशों का ढेर लग गया। कोरोना वायरस के कारण जहां पूरे देश में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, तो वहीं अमेरिका में कुछ कंपनियां ऐसी भी थीं जहां मजबूरी की ऐसी रोटी सेकी जा रही थी जिसकी गर्माहट ने पूरे अमेरिका को जलाना शुरू कर दिया। इस गलती में सबसे बड़ी भूमिका अमेरिका की फूड कंपनी स्मिथ फील्ड फूड्स ने निभाई, जिसकी सजा आज अमेरिका का हर एक नागरिक भुगत रहा है। अमेरिका के साउथ डकोटा के शहर सियोक्स फॉल्स में सुअर के मांस प्रोसेस करने वाली स्मिथ फील्ड फूड्स कंपनी में कोरोना संकट के बीच भी काम जारी रहा। इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना बहुत जरूरी है, जिसके कारण अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों में एसेंशियल वस्तुओं की फैक्ट्रियों और कंपनियों में काम जारी रखने की अनुमति दी गई थी। स्मिथ फील्ड फूड्स कंपनी में इसी के चलते काम जारी था। सुअर का मांस प्रोसेस करने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक स्मिथ फील्ड में 3700 कर्मचारी काम करते हैं। यहां रोजाना 19,000 से ज्यादा सुअर काटे जाते हैं, जिसके बाद उनके अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। कंपनी के सीईओ कीथ सुलिवन ने कोरोना संकट के बीच बयान जारी करते हुए कहा था कि खाना इंसान के लिए जरूरी है, इसलिए संकट की इस घड़ी में भी हम कंपनी में काम जारी रखेंगे। हम अपने कर्मचारियों और अमेरिका के प्रत्येक नागरिक की सेहत का ख्याल रखेंगे। कीथ सुलिवन के बयान से ऐसा लगा मानो वो किसी मसीहा की तरह लोगों के सामने आए हैं, लेकिन उनकी बातों ने जमीन तक आते आते दम तोड़ लिया। अमेरिका के नागरिकों का तो छोड़िए, कंपनियों ने अपने कर्मचारियों तक की सेहत का ख्याल नहीं रखा। लापरवाही की हद तो तब हो गई जब कंपनी ने काम जारी रखते हुए न जाने अमेरिका के कितने घरों में कोरोना वायरस को पहुंचाने का काम किया। बजफीट न्यूज के एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने शुरुआत दौर से ही लापरवाही बरती थी। कंपनी ने न तो कर्मचारियों के प्रति सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा और साथ ही साथ कोरोना वायरस के सबसे कारगर हथियार सोशल डिस्टेंसिंग को भी दरकिनार किया। इतना ही नहीं, कंपनी ने मजदूरों को काम जारी रखने के लिए फ्री में लंच और $500 की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोनस करवाने का ऑफर भी दिया, ताकि मजदूर काम करना जारी रखें। कर्मचारियों की जान से बढ़कर पैसों को महत्व देने वाले स्मिथ फील्ड की लापरवाही का नतीजा धीरे धीरे सामने आने लगा। कंपनी में कोरोना संक्रमण फैलने की खबरें सामने आने लगी, लेकिन कंपनी ने ये बात भी सभी से छुपा कर रखी। मिली जानकारी के मुताबिक 9 अप्रैल को स्मिथ फील्ड के 80 कर्मचारियों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी थी। तब ईस्टर के मौके पर प्लांट को 3 दिनों के लिए बंद किया गया था, लेकिन प्लांट को बंद रखने की वजह उसकी साफ सफाई को बताया गया और कहा कि इस दौरान प्लांट को पूरी तरह साफ किया जाएगा और 3 दिन बाद प्लांट एक बार फिर अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगेगा। इस दौरान कंपनी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कंपनी ने 11 अप्रैल को बड़े हिस्से में काम बंद रखा था, जबकि 12 और 13 अप्रैल को प्लांट पूरी तरह बंद रखा गया था। जबकि सच्चाई तो ये है कि 80 कर्मचारियों को कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के बाद भी कंपनी में काम जारी था। लगभग 50-60% वर्कर कंपनी में काम कर रहे थे। इस दौरान कंपनी के मार्टिनेज नाम के कर्मचारी की मौत भी हो गई थी, लेकिन इससे 7 दिन पहले ही स्मिथ फील्ड ने सार्वजनिक तौर पर अपने यहाँ कोरोना वायरस संक्रमण की बात मानी थी। लेकिन कंपनी में कोरोना पनप चुका है, इसके बावजूद भी कंपनी में वर्करों से काम करवाया जाता रहा। अमेरिका में कोरोना संकट के बीच बेरोजगारी का स्तर सबसे बुरे दौर में पहुंच चुका है। ऐसे में कोई भी गरीब मजदूर किसी भी हाल में अपनी नौकरी गंवाना नहीं चाहता। मजबूरन सभी गरीब वर्कर 2 वक्त की रोटी के लिए काम पर जाते रहे। अपनी जान को जोखिम में डालकर वो लोग लगातार काम करते रहे, लेकिन जब वर्करों ने आवाज नहीं उठाई तो अपने माँ बाप की मजबूरी को देखते हुए कंपनी में काम कर रहे कर्मचारी की बेटी जूलिया ने सोशल मीडिया की मदद से आवाज लोगों तक पहुँचाई,
ताकि सार्वजनिक रूप से कंपनी को बंद करने का दबाव बनाया जा सके, जिसके कारण उसके माता पिता की जान बच सके। जूलिया के इस पहल का असर भी देखने को मिला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 15 अप्रैल को कंपनी को बंद करने के आदेश तो मिल गए, लेकिन तब तक कंपनी में 725 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ चुके थे और पूरे साउथ डकोटा में कोरोना के 1,635 मामले सामने आए। इसके अलावा कंपनी पूरे अमेरिका में माल की सप्लाई भी करती है। ऐसे में कोरोना संक्रमित मरीज कंपनी में लगातार काम कर रहे थे, जिसके कारण अमेरिका के न जाने कितने शहरों और कितने घरों में कोरोना ने दस्तक दी होगी, जिसका नतीजा ये है कि आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका कोरोना वायरस की मार झेल रहा है। अगर सरकार ने शुरुआत में ही लापरवाही ना की होती तो शायद आज कई बेगुनाहों की जान बच सकती थी।